एक शॉर्ट लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो चले हम आज के जबरदस्त से फेस पैक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, हमारी स्किन को ग्लासी स्किन बनाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें, इस मास्क के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो सबसे पहले हम उन चीजों की तरफ चलते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए माल्टे के छिलके, ठीक है, फ्रेश छिलके होने चाहिए। ये माल्टे के छिलके हैं और ये एकदम फ्रेश छिलके हैं। इनके साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है एक ग्राइंडर जार, जार में आप लोगों ने ये छिलके डालने हैं, ठीक है, ये छिलके डालने हैं। इसके बाद आप लोगों ने दूसरी चीज़ इसमें क्या ऐड करनी है, आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल आपने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करनी है और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको छान लेंगे, ठीक है। आपने एक छलनी लेनी है और उसमें आपने इसको डाल के इसका जूस निकाल लेना है, इसको छान लेना है, ठीक है। तो हम ये सारे को डाल के इसको आराम से छान लेंगे। ये देखें ऐसे इसका आराम से जो जूस है वो निकल आएगा। तो इसको हम सारा ही डाल के छान लेंगे। तो ये देखें हमने निकाल लिया जूस। अब हमने इसको क्या करना है, अब हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमारे तकरीबन हर फेस पैक में यूज़ होता है, तो 2 टीस्पून हम लोग इसमें बेसन ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या ऐड करना है, इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को रिपेयर करती है, ठीक है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, ठीक है। तो 1/2 टीस्पून हम लोग ग्लिसरीन की इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून हमने ग्लिसरीन ऐड कर ली। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना रहें। आखिर में हम लोगों ने क्या चीज़ ऐड करनी है, आखिर में आप लोगों ने ऐड करना है इसमें जैतून का तेल। कुछ बूंदें आप लोगों ने ऐड करनी है, ये आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन कुछ बूंदें हम इसकी ऐड कर देंगे, 3 से 4 या 5 बूंदें हम इसकी। अब हम इस मास्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा एक ज़बरदस्त विटामिन सी ग्लोइंग फेस पैक रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। ये रेडी हो चुका है, अब चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने स्किन को वॉश कर लेना है अच्छे से और एक ब्रश की हेल्प से आपने इसे अप्लाई कर देना है। ये देखें ऐसे आप लोगों ने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये आपकी फेस को इंस्टेंट ग्लो देगा, ठीक है, फौरी तौर पे आपकी स्किन को ये एकदम वाइट ग्लोइंग बना देगा। तो कहीं भी जाने से पहले आप इस फेस पैक को अगर लगाएंगे तो आपको किसी भी किस्म की क्रीमों की या आपको फेशियल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें ये हमने अच्छे से लगा लिया है। विटामिन सी वैसे भी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देती है। तो ये हमने अच्छे से आप अप्लाई कर लिया है। हम 10-15 मिनट वेट करेंगे, सूखेगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखें जी हमारा विटामिन सी का इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पे खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको धो के आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखें मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप लोग खुद देख लें कि ये किस तरह है, इसने फौरी तौर पे स्किन को ग्लो दिया है, स्किन को वाइट किया है, चमकदार बनाया है। आप लोग देख रहे हैं मैंने दोनों हाथों में डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और आपने लाजमी इसको ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना है। नई वीडियो जल्दी लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।